محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم میرے آقا کرم کرو میری سرکار آپ ہی کے کرم سے بہار ہے داتا رحم میرے آقا رحم दाता तू ना करे करे गौर के ते मेरिया सबे जरूरत पूरियां हो पीरा तू ना करे ते होर करे केड़ा हो मेरिया सबे जरूरत पूरियां नू लोकी तक दे गुना मेरे ते मैं ता तक दर मुता तेरियां हो लोकी तक दे गुना मेरे मैं ता तक दर मुता तेरियां लोगां दी आवे वासना लोगां दी आवे वासना पीर बोल लो त्रिया जी लोगां दी आवे वासना तेरे लाते बोल प्यारे तेरे बजावा बलकारे जी लोग आवे वाजना वीर बोल लो त्रिया भी लोग आवे वाजना वीर बोल लो त्रिया भी लोग आवे वाजना पट्टी मैं कामा
तेरे नाम की खटी मै कार्यक्रम की नजर मेरे आका हम इस सारी संगत करके लखा दाते पीर दी बोल बाबा हैदर शेख सदरुद्दीन दी बोल ग्यारहवीं सच्ची सरकार दी बोल ख्वाजा पीर दी बोल खान टोडा पीर दी बोल पैरों छड़िए दी बोल माँ दुर्गा शक्ति दी बोल गुरु नानक देव दी बोल नगर खेड़े की बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय करे मनाना देवी दा आजा बोल बाबा हैदर शेख सदरुद्दीन बोल अपने अपने गुरु महाराज हाँ भाई ऐसे हुक्म पीर पाशा दे ऐसे हुक्म मालक दे ऐसे हुक्म दाते लोग सच्ची दरगाह चो संगत लई बाबा कहता इस संगत चौंकिया मंजूर ऐसे हुक्म मालक दे बाबा कहता इस संगत हाईवियां मंजूर कह दुद्ध आलू दुद्ध पुत आलू पुत नामे नामा किनू फिर बोलो किनू फिर द्वारा बोलो किनू कहते नीयत साफ है तो जंगल की भी याद कर लियो सरकार हाजर ने कितने जान की लोड़ नहीं और जे नीयत खोट है बोलो डेली चिरागा तेल पाई हो डेली जुत्तों से क्या हो पाई हो नहीं मिलना मिलना किनू है जिन्होंने किसी भी रूप दे उस परमात्मा नाल इश्क कीता है किसने अल्लाह कह के कहा किसने गॉड कहा किसने वाहिगुरु कहा किसने भगवान कहा पर क्या किने जिन्हें दिल चो कहा हुक्म मालिक दे अज दा भंडारा मंजूर है अज दा भंडारा गुप्त है सरसे दे किसी हरियाणा दे किसी बंदे ने अज दा भंडारा गुप्त लाया है उहदे मन दी इच्छा है कि मैं अपना भंडारा गुप्त ही रखना चाहना दरबार से हाजिर ने लेकिन तुसी उहदे सारे दुआ करियो क्योंकि गुप्त सेवा करनी बड़ा मुश्किल दा काम है ज्यादातर लोग ना भंडारा लगांदे किस काम लई जब बिना लाइन तो नंबर लग जूगा लाइन च नहीं बैठना पऊगा सारी रात बिना लाइन तो नंबर लग जूगा लेकिन अज इस बच्चे ने पिछले छे महीना सेवा कर रहे हैं परमात्मा ने सुनी है अज उन्होंने गुप्त भंडारा लगाया है भंडारा मंजूर है दाने दाने से मोर लगी है जिरा खा गया वो भी तर गया जिरा सेवा कर गया वो भी तर गया जिरा ला गया फिर कहता वो भी तारता फिर मुड़ के उत्थी तारना किनू सच्ची नीयत वाले गुप्त भंडारा है सरसे दे सेवादार ने दिल नाल अरदास करियो कि सरकार बड़े अच्छे इंसान होणगे उह जिहड़े अपने आप नूं सामने नहीं आना चाहते है गुप्त सेवा कर रहे हैं तुसीं सारे दुआ करियो सरकार उहदा भंडारा मंजूर करन सरकार तो मैं मंजूरी लेके दित्ती है लेकिन तुसीं अपने मन नाल दुआ करियो कि इसी तरह सरकार की सेवा करते रहन आया
तेरे ते बाबला वे प्यार चुगलारा मिनता दे तेनु ओ मिनता दे तेनु है तेरा वे मनार मनावा पीर कोटले वालिया ओ पीर कोटले वालिया आशक जिंदा सी जिंदा है और जिंदा रहनगे बड़े असी लोग दरबार से जाने बड़े लोगों के सवाल होंगे है ये प्रेम तो हमें सब का सांझा दरबार है एक जितो मेरा ख्याल है इस पूरे नॉर्थ में कोई ऐसा दरबार है जिते हर धर्म का सम्मान होंगे भगवान भोलेनाथ की विशाल स्वरूप सरकार का गुरुद्वारा साहब की पिछले साल प्रभात फेरी हुई असी सारे धर्मों यहाँ पर होता है हर धर्म का सम्मान उसी का नाम श्री प्रेम दाम क्योंकि मोहब्बत का पैगाम हर ग्रंथ ने सिखाई भी कुछ ये कि मोहब्बत असली लोग की कर दिया दरबार से गए किसी से भी पांच छह सात बार आठ बार दस बार गल जी बनी नहीं हैगी यार दरबार बदल दिया किसने सवाल किया परमात्मा नु कहता भगवान मैं जिन्नी तेरी पूजा करदा जिन्नी तेरी भगती करदा जिन्नी तेरी इबादत करदा उदा फल मैनू जल्दी क्यों नहीं मिलता कौन कौन पूछदा बोलो कि नहीं पूछना कोई है जिन्हें पूछनी है गल मैं भगती करदा मेरा पूजा हाल जल्दी नहीं मिलता हाँ मैंने पता हथ खड़ा करोंगे नहीं भी बाबे ने उल्टा जवाब ही देना है ना ताई ने हथ खड़ा करा दिल तो सबदा करदा दिल किधर नहीं करता बंदे ने भगवान नु पूछया परमात्मा नु पूछया सरकार नु पूछया कि मैं जिन्नी तेरी इबादत करदा उदा फल मैनू जल्दी क्यों नहीं मिलता तुहाडा भी सवाल होगा ना ये जल्दी क्यों नहीं मिलता तो मैंने भी भगवान को पूछा कहिंदा सरकार तुहाडे सारे तमाम आशिके गल पूछ रहे ने जी भगती करदे आ चौंकी भरदे आ हाजरी देने आ मंदिर जाने आ घरे जोत बत्ती धूफ चिराग करदे आ सानू उहदा फल जल्दी क्यों नहीं मिलता तो सरकार कहन लगे भी जिहनूं कहे मैं उहनूं फल जल्दी दवा दिंदा सरकार ने मैनूं जवाब दित्ता सी कहिंदा भी जिहड़ा बंदा कहूगा मैं उन्होंने एट दी स्पॉट उहदा फल दवाऊंगा जिन्ने वह पुण के काम करूगा राइट अद्धे घंटे बाद उन्होंने फल मिल जूगा पर याद रखियो जिन्ने वह पाप के काम करूगा वह भी अद्धे घंटे बाद ही फल मिलेगा बंदा कहता नहीं महाराज जिदा है उदा ही ठीक है क्यों क्योंकि सानू पता है असी पुण के काम घट पार पाने से बोलो सबनों पता है अपने अंदर किसी मंदिर या किसी बाबे को जाके नहीं पता तुम्हें खुद को पता है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्हों अपना बोलो नहीं पता है नहीं पता सबनों पता है किसी की गुनाह करते हैं सबनों पता है कि शराब माड़ी है किनू नहीं पता सबनों पता है कि आ चीज बुरी है सबनों पता है नशा बुरा है हटते हैं नहीं हटते लेकिन जेकर कोई प्रेम धाम दे लड़ ला के छट गया हट गया तो मैं समझूंगा मेरा एक रात जगना सफल हो गया इधर आप करें नशे की गल इधर करेंगे तो चुगली की गल चुगली भी एक नशा है ये सब तो खतरनाक नशा है जो उनका फोन आया अच्छा पहले तो चलो मिलते सी उदो चुगली करते सीगे अजकल तो मिलने की लोड़ नहीं पैंदी ये तो बहने होने तो को चल पैंदा है कहते चैट उते चुगली तो करनी करनी है असी दूसरे की गलती देखने असी नंबर वन आ कभी अपने अंदर निगाह माड़ी है सोचो बोलो 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 दिल में गुस्सा आंखों में तलखी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं दिल में गुस्सा आंखों में तलखी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं जिनके अपने वही खाते सही नहीं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं दूसरों का हिसाब है ना कोले अपने वही खाते खोल के देखो एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फैमिली रहती थी एक बड़ी अच्छी सुनने वाली गल है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक फैमिली रहती थी जिसमें डाइनिंग टेबल लगा हुआ सीगा सवेर का नाश्ता होंदा सीगा उसे एक विंडो सी विंडो की उस साइड किसी होर का घर सीगा बैठ जाओ जिते जगह मिलती उसे बैठ जाओ यार थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ बैठने जगह थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ कोई गल नहीं जिन्ना इतने पसीना निकलूगा
पापी निकलेंगे। फर्स्ट फ्लोर ते परिवार रहंदा सीगा, जिथे डाइनिंग टेबल लग्या सी उथे एक विंडो सी कच दी ग्लास दी, उस तरफ एक होर घर सीगा। तां डेली जदों सवेरे ब्रेकफास्ट लई लड़के ने ऑफिस जाना हुंदा सी, ब्रेकफास्ट लई बैठदा तो उहदी पत्नी ने कहना उहनूं हमेशा, उहदी वाइफ ने, ब्रेकफास्ट भी कराना एक परौंठी भी रखनी ते नाल की आना, देखो अपने पड़ोसी किन्ने बेवकूफ ने, उहनूं कपड़े नहीं धोने आउंदे, किन्ने गंदे कपड़े धोए है, कपड़े किन्ने गंदे है, कपड़े वॉश नहीं करने आते उन्होंने। बंदा बेचारा ऑफिस जाना जी, कहता यार तू चंगे माड़े मैनू जान दे, मैनू नाश्ता कर, मैं चलना। उहदा रोज़ का काम हो गया। डेली उन्हें बड़े बेवकूफ पड़ोसी ने अपने, इन्होंने कपड़े नहीं धोने आते, किन्ने गमड़े गंदे कपड़े धोते है। एक दिन की होया, संडे का दिन सीगा, लड़के ने ऑफिस लेट जाना सीगा जां नहीं जाना, छुट्टी का दिन सीगा। उस दिन 10-11 बजे नाश्ता ले टेबल ते बैठा, तो जदों पत्नी नाश्ता लेके आई कहिंदी वाह अज दा पड़ोसी बड़े वधिया ने, अज तक कपड़े बड़े सोहने साफ हुए उन्होंने, अज की हो गया, अज ऐसा की हो गया, बड़े अच्छे कपड़े धोते है। घर वाला कहिंदा उन्होंने कुछ नहीं किया, अज मैं सवेरे थोड़ा जल्दी उठ गया सीगा, कच गंदा सीगा, मैं पहली बार साफ किया, अपना कच गंदा सीगा, उते कपड़ा मारिया, वो साफ हुआ तो कपड़े साफ नजर आते हैं। असल दे विच साडियां अखां दे अगे गंदगी चढ़ी हुई है, जिहड़ी अपनी गलती नहीं देख सकदियां, दूसरे की गलती देखने नंबर बोलो नहीं बोलना, दूसरे की गलती देखने नंबर वन है। तुहाडी कोई भी इंसान बुराई करता है, याद रखियो, तुहाडी कोई भी इंसान बुराई करता है, हस के सुनो, हाँ पापा की गल कहती देने सौखा वे, बुराई करने वाले इंसान तो तुहाडी किते पाप नू तो रहे ने, गुनाहां नू तो रहे ने, जिहड़े तुहाडे पाप करते ने, वो तो तुहाडे माता पिता नाल उपर ने, तुहाडी मां नाल उपर दर्जा उन्हां दा, पुछो किवें, मां ने तुहाडा मल मूत्र धोता कदे नाल, कदे नाल जी, हत्थां नाल, मां ने तुहाडा मल साफ किया हत्थां नाल, वो तो तुहाडी जवान नाल कर रहे ने यार, वो तुहाडा मल जवान नाल साफ कर रहे ने, उन्हां दी इज्जत करिया करो, तुहाडे गुनाह स्टोरी सुनावा, अज मेरे को टाइम भी है 5-10 मिनट, शायद मैंने पहले भी सुनाई हुई है पर फिर सुनाना, मल किमें साफ कर दिया हथा नालो अपना। कहिंदे एक फकीर एक बादशाह सीगा, उहदा प्रतिदिन टाइम फिक्स हुंदा सी सवेरे 9 तो लैके 10 बजे तक, जिन्हें भी भिक्षक आउणगे जिन्ने की फकीर आउणगे उन्होंने भिक्षा देनी है, पर 10 बजे प्रोपर बंद कर दिंदा सीगा, 9 तो 10 अपने गेट के उत्ते खड़े होना, उन्हें भिक्षा देनी उत्थे प्रतिदिन, ऐदा ही चलता रहा। एक दिन की होया, 10 बजे बादशाह ने भिक्षा बंद की बननी, तो एक फकीर 10:15 बजे आ गया, काशा उहदे हत्थ च, कहिंदे आ 30 गुणा इत्थे ते 70 गुणा उत्थे फलदा है, महात्मा कहिंदे आंदे आ, फकीर आया अलग, कहिंदे बादशाह तो अंदर चला गया, कित्थे गया, जिथे घोड़े बंदे उत्थे चला गया, फकीर मगर मगर बादशाह दे भिक्षा अलग, कहिंदा बाबा 10 बजे का टाइम से बंद हो, कहिंदा बेटा किसी फकीर नू खाली नहीं मोड़ी दा, कुछ भी दे दे, जो देंगा वध के ही आऊगा। कहिंदा बाबा तैनू कहता ना 10 बजे का टाइम है जा, कहिंदा बेटा फिर कह रहा किसी नू खाली नहीं मोड़ी दा, मेरे कासे च कुछ भी पा दे वध के ही आऊगा। बादशाह नू गुस्सा आया तो उन्हें उत्थे घोड़े दी ना लिद, समझ लो की होंदी है घोड़े दा गोबर, लिद चक्की फकीर दे कासे च बाधी, कहिंदा जिउंदा वसदा रहे रब वधा के दे दे। समय गुजरिया, वक्त गुजरिया, वक्त गुजरते की होया, एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकलिया जंगल दे विच, ऐसा रस्ता भटकिया और पानी की प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा पानी कितने नहीं मिल रहा, हर जगह पानी की तलाश कर रहा, पानी कितने नहीं, पानी की तलाश कर रहा, पानी कितने नहीं, आस पास कोई नज़र नहीं आ रहा, बहुत दूर नज़र आया एक छोटा जहा आश्रम बनया हुआ है, गया घोड़े उधर नूं कीते अपने, जदों घोड़ा लैके आश्रम च पहुंचा देखा एक महात्मा अपनी बंदगी च बैठे हुए, परमात्मा की भगती दे विच बैठे हुए ने, इबादत दे विच बैठे हुए ने, जाके प्रणाम किया, कहिंदे बाबा पानी पानी मिलूगा, कहिंदा अंदर वाले कमरे च देख लिया पुत्र, बड़ा कमरा अंदर पानी पिया होगा, फकीर भी बड़े पहुंचे हुए ताकत होंगे ने, गेट खोलिया अंदर देखा घोड़े की लिदी लिद गोबरी गोबर भरया पै, पूरा कमरा गोबर का भरया होया, स्मैल कैसी होगी देखो, अंदरों बाहर आया कहता महाराज इतने तो कोई घोड़ा भी है नहीं गा, इन्नी लिद क्यों, कोई तुरे आसपास भी घोड़ा नजर नहीं आ रहा। महात्मा कहन लगे कहते कुछ नहीं भाई, एक फकीर
ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ੇ ਚ ਬਾਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇਰੀ ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਖੱਤ ਦੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿੱਦ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਾਰਾ ਲਿੱਦ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਊਂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲਿੱਦ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਲਓ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੂੰਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਰਾ ਜੈਸਾ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਲਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਰਾਜਾ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਮਦਰਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਏਦਾਂ ਰਾਜਾ ਏਦਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਲਿੱਦ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ 2 ਪੀਸ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿੱਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੀਸ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਡਬਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਦਰਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਿੱਦਾ ਚੱਲ ਖੜਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਚੁਗਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਲੈ ਜਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਬਣ ਜੂਗੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀਵ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿੱਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿੱਦ ਦਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਪਾ ਦਾ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਆਏ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਓਏ ਸ਼ਰਟ ਅੰਦਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਅੰਦਰ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਨਮਟਾਓ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਣਦੀ ਰਹੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
शुक्रिया करा करो उहदा, और किसी की किसी रूप के निंदा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। पर मजा ऐसे कम चाहता, एक ध्यान रखियो, पाठ कर लग जाओ ना, इदा एक माला पूरी नहीं होंगी, अड़ी वासियां आदि ने, है ना, नींद आती है, क्यों क्यों आती है। अच्छा फिर पिछले पेज देखते कि रह गए, तीन रह गए, जल निपटते जल्दी, बस 10 मिनट लगन गए, चुगली कर बह जाओ। वो यार तेन पता ट्रेन का टाइम है 10:05 का, और 10 बजन के 5 मिनट बाकी ने, यानी ट्रेन के 10 मिनट बाकी है। तेन पता है वो लड़का नहीं है, वो लड़की यार वो चली, अच्छा कदों अच्छा पाया 10 मिनट कदों गई है, वो चाह मंगा यार तू गप, अच्छा कितने कि मजा आंदा है, कि आनंद आंदा है। याद रखियो किसी के उपर इल्जाम लाने तो पहला 1000 बार सोचना है कि असी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। किसी ना टीचर करने तो पहला, पंजाब की टीचर कहते हैं मजाक न, टीचर करने तो पहला एक बार एक होर गल याद आ गई मेरे, एक बार राजा अकबर को शौक उठा बीरबल ना टीचर करने का, बीरबल को कहन लगे कि बीरबल तेरे पिता जी नहीं कितने नजर आते, कितने हैगे जे है तो कितने है। बीरबल बड़ा आइटम से, सबनों पता इस गल का, बड़ा दिमाग से, वह कहता हाँ महाराज है कल तुहाडी राजसभा हाजिर हो जाएंगे, कल सुबह तुहाडे कोल आणगे हाजिर होणगे। बीरबल घरे गया, अपने पिता जी नूं कहिंदा भी देख पिता जी, राजे दा मूड मजाक करन दा, टीचर करन दा, नीचा दिखाउन दा, तुसीं कुछ नहीं बोलना, बस जो मर्जी कही जाण, तुसीं अपने होठ खुल्ले नहीं हैगे, बंद दे बंद रखणे। राजसभा च बीरबल दे पिता जी पातशाह सामने खड़े है, कहिंदे हाँ भी तुसीं बीरबल दे पिता हो, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5-7 ਸਵਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਵੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਚਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਰਾਜਸਭਾ ਚੋਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਬੀਰਬਲ ਆਇਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਰਬਲ ਆ ਕੇ ਜਿਉਂ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਰਬਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ना बोलिए सजना माड़ा, बोलिए सजना माड़ा, ना चंगिया नू औखी मिली फकीरी रब दे अवतिया नू, औखी मिली फकीरी रब दे अवतिया नू, औखी मिली फकीरी रब दे अवतिया नू। ਫਕੀਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਫਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਖੀ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਫਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਗਦੇ, ਨਾ ਜਗਨ ਚਿਰਾਗ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਗਦੇ ਰਹਿਣ ਚਿਰਾਗ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਪੀਰਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਦੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚੌਂਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਉਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਫਲਾਈਟ ਹਜੇ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਲੈਂਡ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਓ। ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਉੱਡੂਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਕਸੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ।
उन्होंने टैक्सी ली, बड़ी वधिया दिल नाल सुनने वाली गल है, बड़े मजे वाली टैक्सी पकड़ी और टैक्सी वाले कहिंदे स्पीड नाल चल, वो कहिंदे एक शॉर्टकट रस्ता है पौधर दी चल गया। 50-60-70 किलोमीटर गड्डी अगे गई, प्रार्थना की करती है ध्यान नाल सुनियो, आप कहने दुआ की, असीं लोगों को कहने दुआ कर लो, वो कहिंदे बाबे ने शायद गोली देती। दुआ का मतलब देखो की हुंदा है, गड्डी 60 तो लैके 70 किलोमीटर अगे गई तो देखिया अंधेरी तूफान मीह बड़ा जबरदस्त, इन्नी हालत खराब के अंधेरी तूफान जबरदस्त आ रहा है, पेड़ भी गिर रहे हैं सड़क के उपर, जंगल का रास्ता है। एक थान से देखिया अगे पेड़ गिरे पे, इदू हाँ गड्डी अगे, ड्राइवर कहने लगे भी गड्डी अगे नहीं जाऊगी, कहिंदा यार तू फोन का इंतजाम कराओ, इतने तू लैंडलाइन फोन लगे हो, मैं कॉल कर ला, कहिंदा महाराज इतने फोन कितों मिलना है, जंगल चा आप इतने खा पानी की घुट मिल जाऊगी, बहुत बड़ी गल है, दूर देखा जंगल की कुटिया बनी हुई थी छोटी जी, एक कमरा बनया हुआ सीगा, उस कमरे के राकेश अग्रवाल गया, जाते ही कमरा खोलिया, खोल के एक मैया बैठी है, माँ बुढ़िया मैया, बुढ़ी मैया बैठी उस कमरे, कहना मैया फोन है गया, कहती पुत कितने गल करते हैं, इतने ना फोन ना लाइट कुछ नहीं आता, छमा चल रही है, वो रोशनी च बैठे हाँ, ऐ कर गर्म गर्म चाह पई है पी लै, गर्म चाह पाई उन्हें कप के बच्चे घुट भर रहा है, तो की देखिया मैया चाह भी पी रही है, एक नाल बच्चा लेटा हुआ, वह ब्लैंकेट यानी कंबल चक के बार बार देख रही है, वह फेस बार बार बच्चे का देख रही है, शायद बच्चे कोई मेजर बीमारी सी, वो देख रही थी बच्चा ज्यौदा कि मरिया, बार बार चक के देख रही है। तो राकेश अग्रवाल ने देखा भी मैया बार बार बच्चे को देख रही है, माई नू कहन लग्या माई की होया बच्चे बार बार देख रही है, माई दी अखां चो आंसू आ गए, माई कहन लगी ये मेरा पोत है, इहदे माता पिता दोनों एक्सीडेंट मर गए सीगे, मेरा पोता नू इक मेजर बीमारी लगी है, वो बीमारी है मैं हर शहर के दिखा चुकी हाँ, हर जगह दिखा चुकी हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं जिथे मैंने नहीं दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को गए पर पता लगे मैं गरीब नहीं हाँ, इन्ने पैसे भी मेरे को है नहीं गए, पर एक साढ़े इतने हॉस्पिटल वाले ने दसिया एक दिल्ली तो अगे डॉक्टर है, मैं दिन रात उन्होंने दुआ करती हाँ परमात्मा मेरा बच्चा बचा लै, बच्चा बचा लै, मैं तो हर टाइम दुआ से ही लगी रहनी हाँ, बस तू आ गया तेरे नाल गल कर ली फिर दुआ कर लैनी हाँ, दिल्ली तो एक डॉक्टर है वो इन ठीक कर सकता है, इनू ये बीमारी है, उस डॉक्टर का नाम है राकेश अग्रवाल। डॉक्टर दी अखां चो आंसू आ गए, कह लग्या माई तेनू पता तेरी दुआ ने की कम किया, एक तो जहाज नीचे उतारता तेरी दुआ ने, अज तक सुने भी लैंडिंग रस्ते करनी पेगी, एक जहाज तेरी रियल स्टोरी है, वैसे तुम नैट पर पढ़ सकते हो, एक नाम मैंने चेंज किए ने वैसे रियल स्टोरी है, एक जहाज नीचे उतारता पूरे जंगल के चक्कड़ अंधेरी चलाती, मेरी टैक्सी पंचर करवाती, मूरे पेड़ गिराता, माई एदू बढ़ तेरी दुआ की करूंगी, मैं ही राकेश अग्रवाल तेरा मुंडा ठीक करना, उन्हें दुआ कहते हैं, कहते दिल नाल दुआ करके देखियो, जो दिल चो दुआ निकलूगी ना उस परमात्मा की गद्दी भी डोलूगी, आजा ओ करूंगा न बेड़े बाबा पार करूं बेड़े, ओ करूंगा न बेड़े बाबा पार करूं बेड़े, बेटे भरोसा रख भगता जी पीर करूं बन बेड़े, ओ बाबे ते भरोसा रख भगता जी पीर करूंगा न बेड़े, बाबे ते भरोसा रख भगता जी पीर करूंगा न बेड़े, करूंगा न बेड़े बाबा पार करूं बेड़े, ओ करूंगा न बेड़े बाबा पार करूं बेड़े, कुछ बंदे ने मन च भुलेखा है जो नवे लोग ने, मैं एक छोटा भुलेखा कढ़ना चाहना क्योंकि बड़े लोग इस टाइम लाइव देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड विच इस प्रोग्राम लोग लाइव देख रहे हैं, तो मैं दसना चाहना जिन्होंने नहीं नॉलेज हैगी भी साढ़े अंदर कोई माता आ गई, कोई बाबा आ गया, कोई पीर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखियो इस गल,
किसी अंदर कभी कोई देवता नहीं आता है, वो अंश होंगे ने, वेवज होंगे, किरण होंगे ने, वो प्यार होंगे, वो नाम की मस्ती होंगी है। ये अभी सिर घुमा के खेलते हैं ना, तू सोच साढ़े तो बाबा आ गया, कौन कौन सोचता बाबा आ गया, वो नाम की मस्ती है, सिर्फ वो नाम की मस्ती से नचते हाँ। तुम लोग ब्याह जाने हो, डीजे लगे ऑर्केस्ट्रा पार्टी चल रही है, बोतल हाथ क्योंकि दो गुट पिला दे साथिया बाकी मेरे पे रोड़ दे, तुम उत्थे नच लैंदे हो, थोड़े वाली दारू नकली होंगी है, साढ़े वाली असली होंगी है, असं यदि मस्ती से नचते हाँ तुम उत्थे नची जाने, बस इन्ना फर्क है, उसकी मस्ती से नचते हाँ। लेकिन जो तो कोई क्योंकि पंजाब का पहला दरबार, पंजाब का तो मैं नहीं कहूँगा, खैर मैं नहीं नॉलेज हैगी, पर मेरा मानना भी पहला दरबार है जिसे किसी रूप के कोई सिंगल परसन साबित नहीं कर सकता भी इस दरबार से बंटी बाबे ने किस तो एक रुपया मंगया हो जिंदगी, कोई सिंगल परसन साबित कर दे, इन्नी पब्लिक सुन रही है, उसकी जुत्ती मेरा सिर होगा। इसलिए जो स्वार्थ है नहीं गा कोई, निस्वार्थ सेव है, तो जो जवान चो कह दिना वो मेरी सरकार पूरा कर देंगे दे। बस अज दो बंदे कमरे जाके मेरे को माफी मांग रहे थे, बच्चे है, बच्चों का काम है, बाबा जी असं किसी टाइम थोड़े बारे कुछ गलत बोल बैठे थे घर के, अज हूँ जस्ट 15-20 मिनट पहला की गल ही है, गलत बोल बैठे थे, बाबा जी सानू लगता भी साडा घर उसके बाद खराब हो गया, प्लीज़ माफ़ी मांगते हैं। मैं बार बार कह रहा मैं उस गद्दी ते खड़ा होया जिथे हद टाइम माफी हुई है, मैं जिंदगी कदम किसी ना गुस्से होया ही नहीं है, मैंने आंदा ही नहीं गुस्से होना, जितने मैंने गुस्से आना आ गया उसे मेरे पीर उसके पास जाएंगे मेरे को, थोड़ा काम है, बच्चों का काम है हर टाइम गलतियां करना, गलत बोलते रहना, छोटे छोटे बच्चे अपने कई बार खेलते खेलते मुँह से मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होंगे ना गोदी टापा की करते हैं, उन्होंने गाला कड़ते हैं, उन्होंने बदवा दें, किसी का बच्चा किसी का यंग मुंडा भी गलत रस्ते निकल जाए उन्होंने बदवा दें, आप बच्चे किन्ने गलत रस्ते पै गए, कोई नशे पै गया, कोई अजक एक नवा चलिया जुआ किसी का नहीं हुआ, जुआ आ मैचा मुचा के काम च पे दुनिया, कि रुपया माता पिता का खराब किया मैचों के काम च पै गए बच्चों ने। मैं बार बार कहना जिस काम भी करते हो जेकर थोड़े दोनों हाथों के 10-9 नहीं लगे है वो पैसा बरकत नहीं करूंगा, याद रखियो इस गल। और जेड़े बंदे खास तौर जेंट्स परसन कह रहे हैं, जेड़े बच्चे मेरी गल सुन रहे हो, बड़े लोग कहते ना उसके आगे बाबा जी साढ़े प्यो तुम हो, साढ़े पिता जी तुम हो, अभी सब कुछ तुम्हें मानते हैं, तो प्लीज़ उस गल का खास तौर ध्यान दौ, किसी भी रूप के कोई जुआ खेल रहा हो चाहे वह मैचों का चाहे वह ताश का चाहे वह किसी भी रूप के है, तो अपने आप को भी खत्म कर रहा है, खुद को भी खत्म कर रहा है और अपने परिवार को भी खत्म कर रहा है, याद रखियो इस गल, सिर्फ याद ही रखना, ताली भी नहीं बजानी, जिहड़ा ये काम करता है नहीं ताली ना बजाओ, आप इकट्ठी भी जावे, जिहड़ा ये काम करता है कोई मैचों का खास तौर मैचों का जिहड़ा मैच लगाते हैं मैचों का किसी भी रूप में काम करते हो तो प्लीज़ अज एक पर्ल लेके जाओ, अज एक पर्ल लेके जाओ, प्रेम धाम जाके एक माड़ी चीज़ छड़ के जानी होंदी है, एक माड़ी चीज़ छड़ के जानी है प्रेम धाम जाके, मैं हर बार कहना अज एक आदत अपने मन सोच के जाना है, मैं कोई कसम नहीं खिलाऊंगा तुहाडे कोलों, मेरी जिंदगी आदत नहीं है कसम खिलाने की, और कसम झूठी कसम सच्ची भी नहीं खानी चाहिए, झूठी तो बहुत दूर की गल, सच्ची भी नहीं खानी चाहिए, उदासमान ने कहा ना पुत्र की कसम कदे भी लखां ते खाइए ना, किसी हालत नहीं खानी चाहिए हैगी, लेकिन अज पर्ल लेके जाना है, जे कोई मैचों का जां जुए का किसी भी रूप च काम करता होवे खेडदा होवे परमात्मा अज तो मैनूं सीधा रस्ता दे दे, तू शहनशाह है दुनिया नूं रस्ता दिंदा है, मार्गदर्शक है दुनिया का, अज रस्ता दे दे, अज तो बाद मैं जिंदगी जुआ मैच नहीं खेडूंगा, करके जाओगे पर्ल, कोशिश करो प्लीज, कोशिश करनी है सिर्फ, अच्छा कोशिश करने तो कुछ नहीं जाता है ना, कोशिश तो कर सकते हैं आप, मैं पता है ये मेरी प्रेम धाम सरकार एड्डी वड्डी सरकार है, एड्डी वड्डी सरकार है, ऐसी सरकार है, तुम मर्जी कोशिश करोगे 1%, 99% मेरी सरकार ही कर देंगे, थोड़ी लोड़ नहीं पड़ेगी, अच्छा दुनिया मोड़ लवे।
रखे मंजूर है। एक दो खुशी दी गल्लां दसन लगे हां, शायद कुछ लोग सीधे आए होन, ना पता होवे। अज पंजाब दा सब तो बड़ा स्वरूप लगदा था पीर निगाहे वाले सखी सरबत सखी सुल्तान शहीद अहमद सुल्तान सरकार दा लगभग 7.5 फुट उच्चा स्वरूप सामने हॉल दे विच स्थापित होया है। प्रेम धाम च लखदा था पीर आए है, बड़े जोश नाल एक बार ताली बजा के स्वागत करांगे। उत्थे चिराग रोशन कर दिते गए है, वैसे स्वरूप एक बार सरकार दा उत्थे विराजमान किया गया है, चिराग उत्थे लग रहे है। अज सब ने अपनी हाजरी लगा के उत्थे एक अरदास मंग के जानी है, जो एक अरदास सिंगल दो नहीं, सोच लो पहले अपने मन च, सिर्फ एक एप्लीकेशन अपने मन च उत्थे लग जानी है सरकार कोल, जो मर्जी एक एप्लीकेशन लाके जाइयो, बस एक एप्लीकेशन बाबा जी, और एंड दे की कहना है, एप्लीकेशन लाने तो बाद बाकी तुहाडी मर्जी है, एंड दे भी कहना है बाकी तुहाडी, सानू आज चीज की जरूरत है, बाकी मैनू मंगना नहीं आता, तुहाडी मर्जी है। मेरा मन कहता मैं एप्लीकेशन लगा चलिया, जे सही हुई तो पार ला दियो। ये स्वरूप आने वाले टाइम के समय बाद अंदर सरकार की छैया गद्दी बनूगी, उत्थे स्थापित होगा एक बार कल, क्योंकि अज सावन के नवरात्रे शुरू हुए माता रानी के, बड़ा बड़ा बड़े दिन है, माँ चिंतपुर्णी माँ नैना देवी का मेला स्टार्ट होया है अज तो, साडा मन सी कि अज वीरवार का दिन सीगा, सरकार के स्वरूप के दर्शन पब्लिक अज तो शुरू कर दिते जाणगे। सब ने दुआ मंगनी है, और उस तो इलावा आने वाली 7 तरीक नूं 7 सितंबर टाइम पे हले, वैसे 7 सितंबर नूं जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम नाल दरबार विखे मनाया जा रहा है। 25 फुट पुराने सारे बंदे नूं पता है, नवे बंदे नूं दसदा, 25 फुट उच्ची मटकी वृंदावन तो टीम आके मटकी तोड़नगियां, बड़ा अच्छा सुहाना झाकियां दा माहौल हुंदा है। सब ने 7 तरीक है भी वीरवार है, देखो 7 तरीक वीरवार को मटकी का आनंद लेना है, और 6 दी शाम को ठाकुर जी का अभिषेक होगा दरबार के, सही भगती आ सकते हैं। और उस तो इलावा अगले महीने की 20 तरीक को बच्चे बर्थडे मना रहे हैं, हर साल ना 2 प्रोग्राम ऐसे होंगे ने, एक गुरपूर्णिमा एक मेरा बर्थडे, ये मैं 10 दिन है कुछ है, पर फिर भी बच्चों का प्यार होंगे। 20 तरीक को बच्चे बर्थडे मना रहे हैं, कवाली का बड़ा अच्छा आनंद होगा इस बार, कवाली के दिल्ली के कवाल हमसर हयात निजामी सरकार का गुणगान करेंगे 20 तरीक। बच्चे ने अपनी अपनी जगह पर वैसे बर्थडे मनाना है, बड़े प्यार करने वाले ने, मैं बहुत निश्चित ला, बड़ी किस्मत आला मैं सरकार हैदर शेख का लाडला, किन्ने बच्चे मैं प्यार करते हैं। 20 तरीक का जन्मदिन इतने मना रहे हैं, 23 तरीक का 23 तरीक नवा शहर मना रहे हैं, और 3 नू जलंधर मना रहे हैं, अलग अलग जगह पर कवाली होगी हर हफ्ते, पर 20 तरीक की जी कवाली है हम सर याद निजामी इतने आवगे, सरकार का आनंद लवेंगे। 23 शायद सिंगर पता कि वनीत खान, 23 वनीत खान जगह तो मैंने भी नहीं पता कितने है, नैक्सट टाइम दस दूंगा। और 3 है गए जुनेद सुल्तानी, अपना पुराना ये पिछले साल तुम सुना सीगा, वो जलंधर है। तो सब ने मन अरदास करनी है कि सरकार जिदा जिदा कवाली हो रही है, जिदा जिदा जन्माष्टमी के प्रोग्राम आ रहे हैं, सरकार इन्होंने बच्चों की लाज रखी, बच्चों सारों एक लड़ी च परो के रखी, और जिंदगी एक गल याद रखियो, मैं बार बार कहना हूं फिर कहन लग्या कि दरबार से पैसे चुराने की बजाय इतने पैसे चुराने की बजाय किसी हॉस्पिटल किसी गरीब का भला करो, परमात्मा खुश करना है तो सब तो पहला किसी गरीब का भला करना। कभी जिंदगी रब न पैसे चुरा के रब नहीं मिलता है, जे रब न पैसे चुरा के रब मिलता हो रब हों धीरू भाई अंबानी का लक्ष्मीकांत मित्तल का अपना तो होंगे ही ना, कि लहना वड्डिया बन के मेरा हैदर यार गरीबां दा, वैसे वो सिर्फ एक पाल दा दूसरे दा भला कितना कर सकते हो, नहीं भला करन दी पीशन हैगी, पॉकेट नहीं लाओ करती, एक रोटी चूर करके पंछी नूं पता करो वो भी भला है। मैं कल चिंतपुरनी तो आ रहा सीगा, मेरी गल याद आ गई, मैं तो हुण पता लगे मेरा भंडारे लग गया, हुण पता लगी है गल 2 मिंट पहले ही, चिंतपुरनी तो वापिस आ रहा सी, रात का टाइम सी लगभग 1:30 बजे हुए सीगे, 1:30 बजे जिथों माता रानी चढ़ाई शुरू होंदी है ना, एक सरकार की दरगाह बनी हुई है उत्थे, शायद सबने देखी होवे चढ़ाई दे नाल ही, तो मैंने उत्थे गड्डी रोकी तो चाह पीन लग गए सी, नाल सीगे मेरे, एक पैदल संघ जा रहा सीगा, काफ़ी बड़ा संघ सी, पैदल जा रहा सी, एक 60-65 साल के बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा फीवर उन्हों, वो बढ़िया दुकाना से घूम रहा सी यार, इतने कोई मेडिकल स्टोर हो कहने लगे मेडिकल स्टोर आस पास कोई नहीं, रात के 2 बजे हुए थे आस पास, कहते कोई नहीं जा चिंतपुर नहीं जाके मिलूगा तो जा पिछे हुशियारपुर जाओ, पैदल सके वो, तो मैं अपने मन के भी सोच रहा सी भी इन्हों को प्रॉब्लम है, मैं उन्होंने बुलाया मैं बुजुर्ग को की प्रॉब्लम है की दिक्कत है, कहती फीवर हो रहा है, डोलो की गोली चाहिए, मैं परमात्मा
माता रानी तेरे दरबार से आ रहे हैं, कोई कृपा कर। देखो कुदरत का करिश्मा देखो, मैं अपने इस बच्चे को कहा मैं गड़िया डैशबोर्ड खोल के देख यार, और डैशबोर्ड खोल के देखा पूरा बंद पत्ता मेरे को डोलदा पिया हुआ सीगा। मैं उन्हें पकड़ाया, मैं सोचा मेरा सब तो बड़ा लंगर हो गया। रात की गल है हाले कुदरती, देखो मेरी गड्डी के डोलों का ही पत्ता निकलिया, और कोई पत्ता है भी नहीं। मेरे कहने का भाव की है, अगर तुम किसी गौ गरीब का भला कर रहे हो, किसी अपने पड़ोस के बच्चे की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, किसी अपने छोटे बड़े भरा की हेल्प कर रहे हो, तो तुहाडा भंडारा मंजूर होंगे। अदरवाइज जो मर्जी करी जाओ, बाकी फालतू खेड़ है। चाहे न्याय चला लो, चाहे देर चला लो, चाहे चादर पा लो, जो मर्जी करी चलो। चादर लैके आए असं बड़ी वधिया वेलवट की बना के सरकार ने चढ़ाने लई, जिथों की लैके निकले उत्थे एक बंदा ठंड ना मरी जांदा सीगा। मंजूर होगी? यस नो? मंजूर होगी? प्लीज। मैं छोटी छोटिया गल्ला आउंदियां ने, और उस तो इलावा पिछले बार भी क्या सीगा, जिन्हें मेरे वीर सरदार ने पगड़ीधारी ने, मैं लास्ट टाइम भी यह गल कही सी, फिर दोबारा कहन लग्या कि इस दरबार से जिन्हें सरदार मेरे वीर जुड़े हुए ने दरबार नाल सरकार दे आशक ने, तो उन्होंने मैं प्रार्थना की सी कि आग्रह करना भी किसी ने भी पगड़ी पैरों नहीं लगानी हैगी। आम तौर पर आके साडे अगे सिर झुका आते हैं, प्लीज़ हाथ लाया करो या दूरों नमस्कार करया करो। इस पग नूं इन्नी जल्दी पैरां नहीं रखो किसी दे, इन्ना सौखा कम नहीं हैगा। ये बड़ी मुश्किल नाल मिली आपां नूं, ये हज़ारा कुरबानिया तो बाद ये पगड़ी मिली है। ये है तो मेरे 8-10 मीटर कपड़ा है, पर तुहाडे मन नूं है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, बड़ी मुश्किल नाल मिली आपां नूं। ये सोच के देखो, जिन्हें मेरे पगड़ीधारी बैठे सोच के देखो किन्नी कुरबानिया नाल मिली है। तो प्लीज़ इन्हू पैरां नहीं लाउणा किसी दे, हाथ लगा लो नॉर्मल, कोई भी चेले है बाबे हाथ लगा लो, नमस्कार कर दो, दिल च प्यार चाहिए यार, बाकी तो सब फ्रॉड है। इतने तो बाबे के गोडे दबो, मोटे दबो, बाहर जाके बाबा तो अमीर है यार, वो कहता प्यार है, प्यार दिल से चाहिए। जिन्हें दिल चो प्यार किया है वो अज भी जिंदा सी, जिंदा है और जिंदा रहूगा। सारी दुआ करेंगे मिलके कि सरकार जिन्हें इस टाइम तेरे दरबार से आशक बैठे ने, तेरे चाहन वाले बैठे ने, तेन प्यार करने वाले, देखो कितने तक पब्लिक बैठी हुई है, प्यार करने वाले बैठे हुए ने सरकार। मैं एक शब्द होर दसदा छोटा जा, अज मैनू बहुत फोन आया सिफारिशां लई, मैं हाथ जोड़ के तुहानू एक आग्रह करदा, अज मैनू घट्टो घट ज़्यादा नहीं तां किहड़ा ऑफिसर है जिन्हें सिफारिशां लगाई वो पुछण वास्ते एक तो एक फोन आया है। मेरा काम है दसना, मैं दसूंगा। याद रखियो जिहड़े लाइनां च बैठे हुए ने, सवेर दे आके बैठे हुए ने, जिन्हां नू टोकन लग रहे ने, कुछ दा नंबर इत्थे आऊगा, कुछ दा उत्थे आऊगा, ये तो बिना जिन्ने भी VIP आए है, जिन्ना मर्जी पुछ के चले जाइयो, मैं तुहानू 5 बार पुछ कर दूंगा, तुहाडा काम जिंदगी नहीं होगा, जोर ला लिओ, याद रखियो इस गल नू। असीं किसी नूं सिफारिश ला के मूहरे ते आ जाएंगे, जिहड़ा जानकार है यार मैं अगे आ जा कम करा ला, ये लिख के ला लिओ, मेरे तो कम नहीं होगा, मेरा काम है देखो मैनूं दसना पैणा है। किसी SHO ने फोन करता जी, किसी मंत्री ने फोन करता जी, मैं मिल लूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सेवा लानी है। पर ध्यान रखियो जिहड़े गरीब बेचारे सुबह दे लाइनां च बैठे ने, उन्हां दी बददुआ ने तुहाडा काम नहीं होण देना, जिन्ना मर्जी जोर ला लिओ। लाइन च आके बैठो, लाइन च नंबर लो, जिथे मर्जी नंबर आ जाए इत्थे आ जाए। इत्थे साढ़े अंश बाबा जी गद्दी चौंकी लाउंदे ने, बड़े अच्छा, बड़ा अच्छा इंसान है। हर टाइम इस अंश दे विच मैंने एक तो जिंदगी च पहली बार मैनू मेरे तो छोटी उम्र का चेला मिले है। मेरे चेले जिन्ने सीगे मेरे नाल डबल उम्र दे सीगे, मेरी उम्र 22 साल दी, मेरे चेले 45 साल दे। इसकी पहली बार मैनू मेरी छोटी उम्र का चेला मिले है। बड़ा अच्छा इंसान है, हर टाइम अपनी मस्ती च मस्त है, चौंकी लाई अपना निकल गया, कोई चुगली नहीं, कोई इधर उधर की गल नहीं। इदां दे इंसान दी परमात्मा बहुत जल्दी सुनदा है। इत्थे चौंकी लग रही है, पिछे साढ़े दीपक बाबा जी अमंग बैठते हैं सारे, जिथे भी नंबर आ गया उत्थे चुप चाप हाजरी लो, जो सेवा लगी उन्हें दिल नाल करो। ये नहीं भी बंटी बाबा जी को पूछना है, बार बार सब की एक ही अड़ी बंटी बाबा जी को पूछना है, बंटी बाबा जी अरे मैं भी तुहाडे वर्गा यार, मैंने भी तो इश्क करके पाया, तुसीं भी इश्क कर लो, लोड़ी ना पवे किसी नूं पुछण दी, किसी नूं पुछण दी लोड़ ना पवे। पिछली बार किन्नी लड़ाई हुई सी इत्थे आई जगह ते, मेरा नंबर बंटी बाबा जी को। बाकी यार समझो असीं भी इंसान हाँ, तुहाडे वर्गे हाँ, जिहदा जिथे नंबर आ गया उत्थे मन नाल पुछ लैणी है, जिहड़ी सेवा लगी उही सेवा करनी है। मन नाल करोगे मेरी गरंटी है तुहानू 5 हफ्ते नहीं पैंदा, 5 हफ्ते तो पहला कम करा के देऊंगा। लेकिन जिहड़े किसी भी VIP रूप दे विच आए हो, किसी भी VIP रूप दे विच आए हो, दसूंगा उन्हां नूं भी, पर कम बिल्कुल नहीं हुंदा, याद रखियो। दसूंगा तो है मेरा कम है पर कम नहीं होगा। आओ हुण 1 मिनट लई प्रार्थना करिए, दुआ करिए कि जिन्हें सरकार दे दर ते बैठे ने इस टाइम तुहाडी वारगा च बैठे ने, किसी को चुनी है कि अपनी चुनी ला लो सिर ते, दुआ करनी है कि सरकार जिन्हें तेरे आशक बैठे ने दर ते सब दियां जायज मनोकामना पूरियां करी, जिदा जिदा मन च सोच के बैठे ने, जो अपने मन दे विच इक मुराद लैके बैठे ने, इन्हां सब दियां जायज मनोकामना पूरियां करी।
जय करा निगाहे वाले पीर दा, जय करा कोटलाली सरकार दा, जय करा श्री प्रेम धाम सरकार दा। आई संघ दी चौंकियां मंजूर ने, आई संघ नूं खवाओ, शेखा संजा नूं लंगर छकाओ, फिर लगभग 11:30 बजे चौंकी शुरू करांगे। टोकन असीं की मैं पहला भी दस दिया, प्लीज थोड़ा ध्यान दिया करो, जिन्नी संगत बाहरों आई है महाराष्ट्र तो MP तो दिल्ली तो पहला उन्होंने नंबर लवा दिया करो। मेरी भी इच्छा होंगी है कि इन्नी दूर संगत आई है बार बार ना आना पवे उन्होंने, लोकल वाला बंदा फिर भी आ सकता है। अज महाराष्ट्र MP तो भी संगत आई हुई है, उन्होंने नंबर लग जा कर दो। इस बार टोकन लगने कुछ की सेवा इतने होगी कुछ उत्थे। दिल नाल दुआ करें सरकार सब दी जय मनोकामना पूरी करे। आज बनावा सोना तेरा आसन लावा बाबा जी आजो, बाबा जी आजो, बाबा जी आजो, बाबा जी आजो। रंगली तेरी आज बनावा सोना तेरा आसन लावा, रंगली तेरी आज बनावा सोना तेरा आसन लावा बाबा जी आजो, बाबा जी आजो। Bye.
तू हो वे मैं हो आ कुछ गल्ला तू करे ओ कुछ गल्ला मैं करा कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा मुके ना साडी गल बा पानी दिया चाला हो बन तू हो वे मैं रब ने बना